हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? आज आप लोग मुझे देख रहे हैं मेकअप में और बिल्कुल आज से लेकर मैं दुल्हन बन गई हूँ। इतना मेकअप करवाया है आज मैंने और पहली दफ़ा मैंने इतना ज़्यादा मेकअप करवाया है। बात कुछ ऐसी है कि आज मैं आई नहीं हूँ एक इवेंट पे जो है ग्रैंड क्वीन यूनिवर्स। तो यहाँ पे मुझे जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इसमें यह है कि हम लोगों ने ड्रेसेस पहनने और वॉक के लिए जाना है और इसमें हमें 2 से 3 ड्रेसेस जो हैं वो पहनने और अपनी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करना है, वहाँ जाके लोगों से मिलना है और वॉक करनी है। मैंने पहला जो ड्रेस पहना है वो है मेरा ये रेड कलर का ड्रेस ही। अभी आप लोगों को मैं थोड़े टाइम तक फुल ड्रेस दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से है, मुझे मौका मिला कि मैं अपनी कंट्री के बारे में कोई बात करूँ या अपना कल्चर दिखाऊँ लोगों को, तो ये एक अच्छा मौका था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया, इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया और मैंने ज्वाइन किया। कुछ इस तरह से अब अभी मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, हालात दिखाती हूँ। सारे मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं कि आए आए, जिन जिन लोगों ने वॉक करनी है वो आके ज़रा प्रैक्टिस करें। मैं भी जाती हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं, मिलकर साथ साथ बातें करते हैं, आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ मैं। और ये रहा मेरा मेकअप और मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इतना डार्क मेकअप और इतना हैवी मेकअप किया। मुझे नहीं पता मेरे पे कैसा लग रहा है, मुझे खुद को देख के बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। तो और ड्रेस मेरा जो है अभी आप लोगों को दिखाऊंगी फुल ड्रेस, कि मेरा फुल ड्रेस किस तरह का है। मैंने एक गाउन जो है वो पहना है। अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ ड्रेस अपना। हाँ जी, तो ये है मेरा फुल ड्रेस। और यहाँ पे बेसिकली हमें करना ये है कि हम लोगों ने सब ने अपने जो हैं वो कल्चरल ड्रेसेस पहनने, मतलब जिस जिसके पास हैं, उन सब लोगों ने जाना है वॉक के लिए। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट होंगे ना उनको जाके मिलना है, सबसे स्टेज पे जाना है, हमने बेसिकली वॉक करनी है जाके। और इधर इस रूम में सबका हो रहा है मेकअप, ये देखें। यहाँ पे सब लोग अपना अपना जो है वो मेकअप करवा रहे हैं, आप लोग आस पास देख सकते हैं। और पता नहीं मुझे ना अपने आईब्रोज जो है ना वो कुछ गड़बड़ लग रही है इनमें, पता नहीं मुझे लग रहा है ना थोड़े ज्यादा ब्लैक ब्लैक में हमें। तो मुझे करना है अपने आईब्रोज को फिक्स और आज मैंने आईलैशेस भी लगाई हैं। और मैं आप लोगों को अपना फुल आई मेकअप भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे भी सब रिहर्सल कर रहे हैं। खान खा शे लाला तो आज का जो दिन है ना बहुत बिजी दिन है और बहुत मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऊपर से मुझे अपना मेकअप कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, बस मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही। और ऊपर से यहाँ पे काम बहुत सारे हैं, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो, तो इसे मुझे समझ नहीं आ रही और ना मैं वीडियो सही से बना पा रही हूँ। यहाँ पे ये लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। ताजा खान माजे जिन्हें औरतें बिहार पाकिस्तान चाचा जिन थे माजे छो में तो सब सब पाकिस्तान तो कौन चू छो में दी तो खान इन्हें वो मेरे शिक ना नो चौंग का नहीं का चौंग不不不，第一次做了，所以我有点不舒服，脸上还有眉毛，我感觉我都看不见。मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है जैसे मुझे ना आधा आधा नजर ही नहीं आ रहा। अभी जो है रात हो चुकी है, अभी जो है हमारा इवेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हम लोग दिन के 2 बजे से आए हैं, तो मैं ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि मैं थोड़ा बिजी थी तैयारी करने में, ड्रेसेस को अरेंज करने में, सारा कुछ इन चीजों में बिजी थी। तो बस जो जो मैं फ्री हो रही हूँ, जो 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 मैं वीडियोज बना रही हूँ आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। और आज जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी एक मैं ही लड़की हूँ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए मैंने साथ अपनी फ्रेंड को भी बुलाया, ये जो है अबू धाबी से आई है आज मेरे इवेंट पे यहाँ पे। थैंक यू चिनाइदा। तो अभी जो है बस रेड कार्पेट और उसके बाद ही हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉपर इवेंट। तो लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पे जो है हमारे खाने के लिए जो है वो चीजें रखी गई, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा भूख लगी, मैंने कुछ नहीं खाया। इंटरव्यू के लिए और इधर हमारा मेकअप रूम था और इधर आगे हम लोग जाना है, वहाँ जाके वॉक करनी है।
और ये है वो हॉल जहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो मेरी ये सारा। हाँ अभी मैंने ये वाला ड्रेस पहना है ना, उसके बाद मुझे एक ड्रेस और चेंज करना है, उसके बाद मैं एक और चेंज करना हूँ। और ये जो है मेरा क्राउन है, सब क्वींस के पास उनके उनके अपने अपने क्राउन है। ग्लोबल विलेज, लेकिन हमारा ये फैशन वीक शुरू हो गया, हम इसमें बिजी हो गई तो इसे हम लोग नहीं जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जाएंगे साथ, शायद सौ मनी ग्लोबल विलेज। तो गाइस लेट्स मीट माय न्यू फ्रेंड, शी इज फ्रॉम कजाकिस्तान। हाय गाइस, हाय एवरीवन, हर नेम इज हुस्निया। थैंक यू गाइस, आवर कजाकिस्तानी क्वीन, आवर शीज आवर कजाकिस्तानी क्वीन। या वन मोर थिंग, लेट मी शो यू, लुक, ग्रैंड क्वीन पाकिस्तान, ग्रैंड क्वीन कजाकिस्तान। और ये जो पूरा इवेंट है ना, तो ये इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज करवाया है, सारा कुछ इन्होंने किया है। इनका नाम अंजलि का अभी जो मिलवाया है मैंने आप लोगों को इनसे। डू यू वांट टू से समथिंग टू माय ऑडियंस? आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी नर्वस, बट आई एम वेरी हैप्पी। माय वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, गेस्ट कमिंग इन, आई वेरी लाइक आवर पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज़ यस all participants, beauties, all queens, all successful ladies, intelligent. By the way, you are looking so beautiful today. Thank you so much. Okay, thank you. I'm very happy for your participants. Thank you so much. Thank you. Thank you. गाइस फाइनली अब मैं कुछ खाने लगी, क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी, उस वजह से मैं कुछ खा नहीं सकती थी। और अभी तक हमारा शो जो है वो शुरू नहीं हुआ, हम लोग बस बैठे हुए हैं और खा पी रहे हैं। मुझे इतनी सारी भूख लगी थी, पता है मेरे पाँव की जो हालत हो गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि ये दो तीन दिन से ना मैं हील्स पहन रही हूँ और मेरे पाँव में कुछ हो गया है ना, उसकी स्किन उतरना शुरू हो गई मेरे पाँव की, तो इससे मुझे टेंशन में डाल दिया। अब इससे पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, मेरे पाँव की ना नीचे से कभी भी स्किन नहीं उतरी, आज ये कि मेरे पाँव की ना सारी स्किन उतरना शुरू हो गई है। और आज का ना हमारा यहाँ पे हमारा जो ड्रेस कोड है वो ब्लैक और रेड है, इसलिए आज सारी लेडीज आप लोगों को रेड में नजर आ रही होंगी। यहाँ पे देखते कुछ मीठे में है। अच्छा पक नहीं चाहिए वादा, यू लाइक इट, इट्स गुड, यम्मी। और मुझसे जो है सबर नहीं हो रहा था, जिससे मैंने कहा कि मैं पहले खा लेती हूँ। और यहाँ पे आज मुझे लगा था सिर्फ एक मैं ही होंगी पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ हमारी पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो सारी पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से। मुझे लगा पता नहीं हमारा मेकअप कौन करेगा, तो चलिए अच्छा हो गया कि हमारे अपनी पाकिस्तानी थी जिन्होंने मेकअप किया, क्योंकि मेकअप लुक जो होती है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा हेयर स्टाइल जो है बांग्लादेश की एक लड़की है, उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी है वो, उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है, ये सारा मेरा उन्होंने सेट किया है। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा मेकअप किया, इतना अच्छा मेरा हेयर स्टाइल बनाया और मेरा दुपट्टा सेट किया, थैंक यू सो मच। और ये जो सामने आप लोगों को ग्रीन में जो नज़र आ रही है ना, ये वाली जो क्वीन है, ये इनका लास्ट ईयर जो हुआ था ना ग्रैंड क्वीन यूनिवर्स, तो ये उसमें जो है उसमें थी ये क्वीन। She is having photo shoot here. Hosnia. हमारा जो शो है ना वो शुरू होने वाला है ऑफिशियली, क्योंकि अब सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उस तरफ, तो लेट्स गो, हम लोग भी चलते हैं। और मैं थोड़ी थोड़ी ना डर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वॉक करनी है और मैंने स्टेज पे जाने आगे, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छे से हो। Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the great gala. Thank you very much to the beauty contest for the opportunity. Mazai Abbasi, Pakistan. Assalamu alaikum everyone. My name is Mazai Abbasi and I'm from Pakistan. So today I will represent my country. Anjalika, you worked really hard. Thank you so much everyone. And one more thing, I want to say good luck to my beautiful queens. You all are good, but I am the best. Thank you.
Abbasi, Queen Influencer Universe. Yes, YouTube show. Yeah, content creator, influencer, Influencer Universe. So what is the national costume? From Pakistan, best national costume. I think it's too much ribbon. So talent. Too much talent. Никогда не бывает. अभी जो है हमारा इवेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है. हमारी वॉक वगैरह थी वो हो चुकी है. आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा. हाँ जी, तो खाना जो है अभी खुल चुका है. यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिशेस जो है वो आ रही हैं और सबको यहाँ पे बहुत भूख लगी है. सब सुबह से काम कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ जी, तो गाइस, तो कैसा लगा आप लोगों को. मैं गई थी जाके वॉक किए, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा मैं गई. पहली दफ़ा मैं गई थी रेड ड्रेस में जो आपने पहले देखा था, और दूसरा मेरा ये वाला था, और तीसरा जो है मैंने चेंज नहीं किया. फिर मैं इसी में चली गई थी क्योंकि जो डिज़ाइनर के ड्रेसेस थे ना, तो वो मेरे लिए नहीं थे क्योंकि मुझे जो है ज़रा कवर ड्रेस चाहिए था. तो इससे फिर मैंने ये वाला अपना ही पहन लिया. सो लेट्स सी. I messed. More. Best national costume. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. और ये मेरा ना लाइफ का एक पहला इस तरह का इवेंट है, मतलब जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया. और मैं पहली दफ़ा इस तरह गई हूँ स्टेज पे और अपनी कंट्री को जाके मैंने रिप्रेजेंट किया, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है. और हाँ, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्पीच कैसी लगी. मैं इस टाइम इतनी डर रही थी ना, मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या बोलूँ. लाइक यूँ हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई बात है माइक आप हाथ में लेती हो ना, वो इतना ही डर होता है जितना मौत का डर होता है ना, इतना ही माइक को हाथ में पकड़ के बोलने से जो डर होता है, मतलब एक ही डर होता है. सो फाइनली वी डिड इट एंड नाउ अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके हैं. मेरी आइज़, मेरे पाँव, सारा कुछ थक चुका है. मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ. सो अभी मैं जाती हूँ, अब मैंने चेंज करना है और अब मैं खाती हूँ खाना. तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके, या मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ और बाकी मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके. गुड मॉर्निंग, आज जो है दूसरा दिन शुरू हो चुका है और रात को हमारा जो शो है वो काफ़ी लेट ख़त्म हुआ है और मैं बहुत लेट जो है घर आई हूँ. फाइनली ख़त्म हो गया. काफ़ी स्ट्रेस था मुझे इसका क्योंकि इतने लोगों के सामने आपको बोलना और वॉक करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट कर लिया मैंने. अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा. तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा सबको. उसके बाद जब इवेंट जब ख़त्म हुआ उसके बाद भी सब लोग मुझसे मिले जो वहाँ पे लोग थे, तो अच्छा लगा सबसे मिलके. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मुझे फिर मौका मिलता है इस तरह से तो मैं लाजमी करूँगी. सो बस आज की वीडियो जो है वो इतनी ही है. तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.